हेलो एंड वेलकम टू इशाल सॉल्यूशंस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त तारिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ले चलते हैं हम बहुत ही प्रेरणादायक कहानी रिश्तों के ऊपर, दोस्ती के ऊपर। दो दोस्त थे, एक बिल और दूसरा हैरी। और दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े, एक साथ स्कूलिंग की, एक साथ कॉलेज किया और यहाँ तक कि वो एक साथ फौज में भी भर्ती हुए। और इत्तेफाक ये कि वो एक ही यूनिट में थे। एक बार बॉर्डर पर बहुत तगड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी और वो एक ही यूनिट की वजह से वो एक साथ फाइट कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। तभी सडनली एक तगड़ा हमला हुआ जिसमें सभी को पीछे हटना पड़ा और वो एक गड्ढे में उन्हें छिपना पड़ा, लेकिन हैरी पीछे रह गया और वो दुश्मनों के जाल में, या कह सकते हो कि वो जख्मी होकर कहीं फंस गए। उसने अपने दोस्त बिल को जोर से आवाज लगाई, बिल प्लीज हेल्प मी, बिल इधर आओ, प्लीज हेल्प मी। हैरी ने उसकी आवाज सुनी और अपने कैप्टन से पूछा, कैप्टन ये मेरे दोस्त की आवाज है, क्या मैं जा सकता हूं? कैप्टन ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते, मेरे पास पहले से ही कम आदमी है और मैं अपना एक और आदमी नहीं खो सकता। बिल चुपचाप बैठ गया। हैरी ने फिर से आवाज लगाई, बिल कहाँ हो तुम, इधर आओ, बिल कहाँ हो तुम, इधर आओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बिल खामोश रहा, उसने कोई आवाज नहीं दी और लगातार ये आवाज आती रही, बिल कहाँ हो तुम, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बिल एक बार आओ, प्लीज हेल्प मी। बिल को ये चीज नागवार गुजरी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने दोस्त की बार बार आवाज और उसने कैप्टन से पूछ लिया कि कैप्टन क्या मैं अपने दोस्त हैरी के पास जा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है और मैं उसे इस तरह तड़पते नहीं देख सकता। तो कैप्टन ने बेमन होकर उसे बोल दिया कि ठीक है तुम जाओ। बिल उसके पास गया और जमीन पर रेंगते हुए, घुटनों के बल लेटते हुए उसे अपने खड्डे में खींच लाया। जब उसने देखा कि हैरी मर चुका है तो कैप्टन बहुत नाराज हुआ कि मैंने तुमसे कहा था कि ये नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, और तुम वहां तक गए और तुम भी अगर मारे जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता, और वैसे ही मेरे पास आदमी कम है, मैं अपना एक भी आदमी खोना नहीं चाहता। तो बिल ने जवाब दिया कि मैं वहां गया वो सही था, क्योंकि जब मैं हैरी के पास पहुंचा था तो उसने मुझसे आखिरी वर्ड जो कहे थे वो यही थे कि मैं जानता था बिल तुम जरूर आओगे, और इतना कहते ही वो मर गया। तो दोस्तों ये होती है सच्ची दोस्ती। सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिलते हैं तो इसे दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की कदर करना ही परम धर्म है, और जो रिश्तों की कदर करते हैं वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होते। वो किसी भी लड़ाई में, किसी भी जंग में, किसी भी जगह फेल नहीं होते, सर उठाकर चलते हैं, सर उठाकर जीते हैं, क्योंकि वो रिश्तों को महसूस करते हैं। और सबसे मजबूत जो रिश्ते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्ती, ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ अगर हम लॉयल हैं, सच्चे हैं, तो ये रिश्ते हमें ज़िंदगी में कभी फेल होने नहीं देते, ये हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम, और कोशिश करें ज़्यादा बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, और अपनी फैमिली को सेव करें, अपने देश को सेव करें। थैंक यू।